नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने गैस सिलेंडर की KYC कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके पास गैस सिलेंडर है तो आप अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उसकी KYC कर आप अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अपनी KYC नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है आपके बुकिंग में भी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सके और आपकी बुकिंग भी पॉसिबल ना हो। तो उसके लिए KYC करना सबके लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो आप किस प्रकार से अपने सिलेंडर की KYC कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से। तो उसके लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करनी है। यहाँ पर हम भारत गैस की KYC करना आपको बता रहे हैं, तो BPCL करके एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सर्च करनी है और ये देखो हेलो BPCL एप्लीकेशन आपको ये इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरी एप्लीकेशन आपको बैक कर यहाँ पर आधार फेस ID आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पर हम दूसरी एप्लीकेशन आधार फेस ID यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में किस प्रकार से आप KYC करेंगे ये हम आपको बताते हैं। करने के बाद में दोस्तों हम यहां पर हेलो BPCL ऐप को ओपन करेंगे और इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा और यहां पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे जो गैस एजेंसी में है और उसके ऊपर एक OTP जाएगा। OTP का हम इंतज़ार करेंगे यहां पर आने का और चेकबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और OTP आ चुका है। OTP हम वेरीफाई करेंगे, यहां पर क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट के ऊपर हमें क्लिक कर देना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू MPIN मांगेगा, यहाँ पर हमें कोई भी 4 डिजिट का MPIN यहाँ पर सेट कर लेना है। हम 4 डिजिट का कोई भी MPIN यहाँ पर सेट कर लेंगे जो हमें याद रहे और उसके बाद में सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट सक्सेसफुली हो गया और वही MPIN यहाँ पर हम एंटर करेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट कर देना है और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ये देखने को मिलने वाला है। ये देखिए 906.50 का हमारा ये भरा जाएगा सिलेंडर, इसकी डिजिट लिखी हुई है और हम यहाँ पर ही आकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। भारत गैस का 906.50 इसके ऊपर लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में ये देखिए कंप्लीट EKYC का ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है। हम इस EKYC के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम कंप्लीट EKYC के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें ये OTP जाएगा हमारे मोबाइल के ऊपर जो हमने गैस एजेंसी में दे रखा है, उसके ऊपर हमारा OTP जाएगा। तो OTP हमारा जा चुका है और OTP हमारे पास रिसीव हो चुका है दोस्तों, और OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद में वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे और प्रोसेस पे हम क्लिक कर देंगे और चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हमारा कैमरा ओपन होगा बैक का और हम यहाँ पर फेस स्कैन करेंगे सिलेंडर होल्डर का जिसके नाम से हमारा गैस कनेक्शन है और आँखों को ब्लिंक कराना होगा, यानी कि हमें प्लग झपकाना होगा इस प्रकार से। और ये देखिए कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है इमेज और यहाँ पर हमारा रोटेशन घूम रहा है, थोड़ा सा हमें वेट रखना है। और ये देखिए KYC सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है हमारी और हम बैक करते हैं और ये इस प्रकार से हमारी KYC हम कर सकते हैं। और अगर हमें बुकिंग करना है तो नीचे देखिए बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सिलेंडर बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखिए बुक कर देंगे। और यहाँ पर हमारा पेमेंट का मोड हम सेलेक्ट करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे और देखिए हमारा सिलेंडर भी हमारा यह बुक हो गया। इस प्रकार से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन KYC भी कर सकते हैं। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।